सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन स्वागत। मैं लोहिया महाविद्यालय के हिंदी विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में हम अपने अपने घरों में कैद हैं, और ये भी जानती हूँ कि परीक्षा की इस घड़ी में आपका मनोबल बार बार टूटता होगा। शायद एक रास्ता होती होगी घर जाने। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है घर में रहना, बाद में क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो बाहर निकलना अच्छा लगता है। आपको कॉलेज याद आती होगी, सब कुछ अलग हो गया है, पर हमें इस महामारी से लड़ने के लिए कुछ त्याग तो करना ही होगा, और जो स्थितियां हमें मिली है हम मिलकर उसमें एक नया रास्ता निकालेंगे, इस अवसाद को भी दूर भगाएंगे और पढ़ेंगे भी। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ मनोबल को किस प्रकार से मजबूत रखें इस बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगी। ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी साहित्य के विद्यार्थी हैं, और साहित्य जो है वो निराशा और अवसाद में रास्ता निकालना जानता है। साहित्य हमारा मनोबल बढ़ाता है। मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि जब भी मैं निराश हुई हूँ कभी विद्यार्थी जीवन में, या आज भी मुझे कभी निराशा या अवसाद ने घेरा हो, तो मैं पुस्तकों का सहारा लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। और ऐसी कुछ पुस्तकें हैं अपने जीवन में जिनको पढ़ के मैं निराशा को पल भर में दूर कर देती हूँ। मैं आपसे आज जिस पुस्तक के बारे में बात करूंगी वह बीए भाग तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र में चलती है, रश्मि रथी। महाकवि दिनकर की रश्मि रथी के बारे में हम बात करेंगे। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में इस रश्मि रथी का तीसरा सर्ग सिलेबस में है। महाकवि दिनकर की यह पुस्तक आज भी प्रासंगिक है। जैसी भी परिस्थितियां हो, देश काल की सीमाओं के पार साहित्य जो होता है वो तात्कालीन उपचार करने का काम करता है। इस तृतीय सर्ग में कृष्ण की चेतावनी आपके सिलेबस में है। जब पांडव वन वन भटकते हैं, कठिनाइयां पाते हैं, उस कठिनाई के दौर से निकल करके जब उनका अज्ञातवास का समय पूरा होता है, तब कृष्ण जो हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं, और पांडवों का हिस्सा या उनका जो भी बनता है वो मित्रता का मार्ग निकालने के लिए उनके पास जाते हैं। तो उस वहां से आपका जो है ये तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। यानी सालों तक घूम घाम के जब वो आते हैं तो उसी समय का वर्णन किया जा रहा है। देखिए ये जो पंक्तियां हैं, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, आज भी प्रासंगिक है। तो इस निराशा भरे कोरोना वायरस से जूझते संसार के लिए सौभाग्य हर दिन नहीं सोएगा, एक दिन ऐसा होगा कि हम इससे बाहर निकलेंगे, जैसे पांडव भी उस समस्या से बाहर निकले। तो इस सर्ग में मैं आपको केवल इस सर्ग के बारे में और थोड़ा सा रश्मि रथी के बारे में ही बात करूंगी, ताकि आपकी भी निराशा दूर हो और आपको अपनी पुस्तक के बारे में जानकारी मिले। कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर जाते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। मित्रता का संदेश लेकर के आते हैं कि या तो आधा राज्य दे दो, वो भी ना दो तो केवल 5 ग्राम दे दो। कितने विनम्र होकर के भगवान ने हस्तिनापुर में आकर के कौरवों से, दुर्योधन से, पांडवों के लिए न्याय मांगा, लेकिन
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बहुत बड़ी बात कही है दिनकर ने कि जब नाश के नजदीक मनुष्य आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही खत्म हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहां जो है ये मित्रता का संदेश लेकर के आते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। तो फिर कृष्ण ने यहाँ पर विराट रूप धारण किया, और उस विराट रूप में आपकी जो इसमें तृतीय सर्ग की कथा है उसमें कृष्ण के इस विराट रूप को दिखाया गया है। और कृष्ण अपना मुख खोल करके विराट रूप दिखाते हैं, तब उसमें वो क्या दिखाते हैं कि दुर्योधन और सारी सभा बिल्कुल सन्न रह जाती है। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जलपति धनेश रुद्र, शतकोटि काल, सैकड़ों दंडधर लोकपाल, सब इसमें उनके मुख में समाये हुए हैं। तो भगवान कहते हैं जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि बांध के तो दिखा, पूरा ब्रह्मांड भगवान के कृष्ण के मुख में है, तो भला कैसे दुर्योधन उनको बांधेगा। उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो अपना विस्तार करता हुआ विराट रूप दिखाते हैं, और उसमें अखंड ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। वो दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। कि दुर्योधन को चेतावनी दे देते हैं वो, इतने विस्तृत रूप को, इतने विराट रूप को वो भला कैसे बांध सकता है। और कृष्ण कहते हैं हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर वाणी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तुम भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ने अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस प्रकार तृतीय सर्ग में कृष्ण जो है वो युद्ध का आह्वान कर देते हैं और अपना विराट रूप दिखा देते हैं, क्योंकि अगर दुष्ट व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे फिर इस प्रकार से क्रोध के साथ में लड़ना आना चाहिए, उसके साथ में आपको कठोर होना पड़ता है। तो यहाँ दिनकर जो है उनकी एक उनकी उनका चिंतन है, उनकी विचारधारा है कि बिना वजह जो है याचना करना या मांगना किसी से, जब सामने वाला देना ही नहीं चाहता है, तो उसके साथ इतनी कोमलता सही नहीं है। उनका मानना है कि स्वत्व मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर में जीत या कि खुद मर के, ये उन्होंने कुरुक्षेत्र में कहा है। तो दिनकर जो है वो प्रतिशोध ले लेने को जरूरी मानते हैं, कभी कभी जब आवश्यक हो जाता है, सामने वाला आपकी बात ही नहीं मानता है तो ऐसा आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार इस तृतीय सर्ग के अंदर कृष्ण ने चेतावनी देते हुए अपना विराट रूप दिखाया है। तो यही आपके सिलेबस में है। रश्मि रथी की हम बात करें तो जो स्वयं कर्ण है उनके जीवन की कथा है। कर्ण जो है वो रश्मि रथी है, रश्मियों के रथ पे आरूढ़ है। इन्होंने पूरे जीवन दान किया, इनका कर्ण का पालन पोषण एक सूत के यहां हुआ, और सूत पुत्र कहलाए इसलिए। तो इसमें यह पुस्तक आज भी बहुत समीचीन है बच्चों, अगर आप इसको पढ़ेंगे, खड़ी बोली में है, बहुत आसान है, आपको केवल तृतीय अंक अगर आप पढ़ेंगे वो परीक्षा में आएगा, लेकिन आपको पूरी पुस्तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह आपके विचार को बहुत ही अच्छा कर देती है और आपको वैचारिक प्रबुद्धता देती है।
तो परिष्कार करती है आपके विचारों का, व्यक्तित्व में निखार लाता है। साहित्य अगर आप पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो अगर पूरी रश्मि रथी पढ़ लेते हो तो। और मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाई, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ना आए। तो साहित्य पढ़ने से आपकी सोच जो है वो विकसित होती है। इसमें कवि ने समसामयिक समस्याएं, आज के संदर्भ में भी अपन अगर इसको देखते हैं तो कर्ण क्योंकि निम्न वर्ग की जाति में पालन पोषण होता है, वैसे वो कुंती पुत्र होते हैं, लेकिन जब वो निम्न वर्ग में पलते हैं तो उनको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। यहां कर्ण के माध्यम से कवि ने जाति प्रथा की विडंबना पर गहरा प्रहार किया है। कवि के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में चाहे पैदा हुआ हो, लेकिन वो कैसा है, कितना महान है, ये सब उसके जाति से नहीं, कुल से नहीं, गोत्र से नहीं, बल्कि उसके कर्म से वो महान बनता है। यहां पर कवि कर्ण के माध्यम से बताते हैं कि कर्ण कहते हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। अर्थात कर्ण जो है, कर्ण का चरित्र प्रमाण है कि मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जिस जो उसने अपनी मेहनत से, अपनी सामर्थ्य से प्राप्त किया है। माता पिता का नाम या वंश ये कोई महत्व नहीं रखते हैं। आज के जमाने में निजगुण ही व्यक्ति का महत्व रखता है। तो यहां एक तरह से मानवता का संदेश दिया गया है, नवीन मानवता की स्थापना की गई है, मानवीय मूल्यों की स्थापना की गई है। और इसी प्रकार पांडव जब वनों में घूमते हैं, जब महलों से निकल करके वन में घूमते हैं, कठोर परिस्थितियां आती है, जैसा कि आज अपन जो बाहर घुमा करते थे, लेकिन हम घर में कैद हैं तो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक समय ऐसा था जब पांडवों को घर के सुख त्याग करके जंगलों में छोड़ दिया गया था, तो हम हमारी स्थिति को उनसे कल्पना कीजिए आप कि हम कितने सुखी हैं। हमें केवल अपने परिजनों के साथ घर ही में तो रहना है, तो हम घर में रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जंगलों में भटकते हुए भी पांडव क्या कहते हैं, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जीवट की कथा है और कृष्ण द्वारा मैत्री का संदेश इसमें दिया गया है। इस प्रकार यह रश्मि रथी आज के समय में भी लोगों को साहस के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करने और हमारे खोए हुए वैभव को जगाने वाली ये रचना है। तो बच्चों, केवल आप ही नहीं, आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिन बच्चों के पास हिंदी साहित्य नहीं है, आप ये पुस्तक उन्हें भी पढ़ाएं, अपने छोटे बहन भाइयों को, या जिनको हिंदी विषय में रुचि है आप उनको ये रश्मि रथी पढ़ करके सुना सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर रश्मि रथी का आपको मूल पुस्तक मिल जाएगी, तो आप उससे इसको पढ़ें और इसका आनंद लें। जीवन में जब भी निराश हो रश्मि रथी को आप पढ़ सकते हैं। आप स्वयं पढ़ें, आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो भी हैं, चाहे वो बच्चे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, लॉ के हो, किसी भी विषय के हो, वो भी अगर रश्मि रथी पढ़ेंगे तो उन्हें जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका मालूम होगा और हम अपने इतिहास से, अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और अब मैं मान सकती हूँ कि लोहिया महाविद्यालय के विद्यार्थी कभी भी अपने साहस को, हिम्मत को कम नहीं करेंगे और दृढ़ता के साथ जैसी भी परिस्थितियां हमें मिली है उसमें पढ़ करके अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे, साहित्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।